लेकिन जो पैसे मिले हैं भाई साहब पड़े हैं मेरे गिरे मोबाइल दो बार जाकर। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग गाइस। कंटिन्यू कल से बरसात हुई जा रही है, अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि अभी तो कुछ थोड़ा सा बरसात थमी है, जिसके चलते खेतों पर आए हैं कुछ जानवरों के लिए चारा पानी के लिए। तो जल्दी बाकी काम कर दें, और अभी इसकी जो है सूजन कम हो गई है, बाकी कल तक और थोड़ा ख़त्म हो ही जाएगी समथिंग। आज का दिन जो है पूरा ऐसा ही गुजर जाएगा, कोई काम तो रहेगा ही नहीं। बाकी जो और दिन थे जब बरसात नहीं हो रही थी तो काम चल रहा था, तो फिर से अभी पानी भर रहा है तो अंदर दुखना पड़ेगा टपरिया में। जस्ट रैंडमली ऐसे ही फटे टूटे कपड़े पहनकर आ चुका हूँ, क्योंकि भाई साहब बरसात हो रही है, अभी भीग जाएंगे, दो दिन के दो तीन जोड़ भीगे पड़े हैं और फिर से भीग जाएंगे, सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जो है ठीक है, खेतों पर ही थे, कौन यहाँ पर देखने बैठता है, ना फिर आपदा हो जाएगी। इसलिए जस्ट अभी जो बाकी काम है करते हैं और फिर चलते हैं घर। बरसात ज़्यादा हो ही रही है अभी तो, ये कपड़ों से बूंदें गिरती हुई। अभी इस कट्टे को भर लेते हैं भूसे से। अरे कहाँ इलज गया यार, निकला अभी, इसको लेकर चलते हैं वहाँ सड़क के पास, वहाँ बंधी हुई है भैंसे और गाय, उनको डालते हैं, जिसके बाद कुछ बाजरा काटकर घर के लिए ले चलते हैं, जिसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी जो है बरसात अच्छी खासी हो चुकी है, अभी सोयाबीन और कुछ मकई इस प्रकार से है, तो इसमें दवाई डालने का टाइम आ चुका है, तो अब दवाई डाली जाएगी जब ये पानी जब बरसात फ्री टाइम देगा तब। बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जस्ट कुआं, इस कुएं में आप देखना जस्ट अभी इतना पानी है, कुछ वाटर लेवल अभी जितना बरसात होता जाएगी समथिंग यहाँ इस साइड तक यहाँ पर आ जाएगा पानी। जैसे ही बरसात आएगी नदी पास में है तो कुआं ऊपर ऊपर आता जाएगा, और अभी जस्ट लेवल बढ़ा है इस कुएं का, जैसे एक बार नदी निकली है उससे भी लेवल बढ़ा है समथिंग, एक हाथ तो पानी ज़्यादा लग ही रहा है मुझे, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया है शायद उसमें दिखा रहा होगा। बाकी थोड़ा और नदी चढ़ने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा, ये कुआं फिर से ऊपर आ चुका है। जो भी अगली फसल होती है गेहूं की, वो जब बरसात के पानी से जो ये कुआं भरता है उसी का ये पानी टिकता है, ज़मीन में वाटर लेवल ऊपर आता है, तभी वो फसल जो है प्रॉपर तरीके से हो पाती है, जिसके बाद सब कुछ कंटिन्यू रहता है। पानी की वजह से अभी इसमें वजन बढ़ चुका है, तो डाल बिल्कुल नीचे आ गई है। ये जो फूल का पेड़, क्या बोलते हैं इसके, माता जी के फूल, डोंट नो, अलग अलग जगह सब कुछ कॉल्ड करते हैं अलग तरीके से। कि अभी जो बरसात हो चुकी है, जिसके कारण जो पहले इधर से एक तार लेकर आए थे दूसरी डीपी से, तो उसको अभी निकाल लिया है। कि मौसम जो है अभी हो रहा है, बदल हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और उधर खम्बे पर मोर बैठा है, गिलहरी। बरसात के मौसम में इनका यहीं पर ठिकाना होता है, इन पेड़ों पर घोंसला बना लेती है और मस्त रहती हैं अपना, या फिर अपने इन घरों में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है इंसान, बाकी जानवर ही इंजॉय करते हैं फिलहाल तो। पहले जो है इस झोंपड़े में गाय बंदा करती थी, लेकिन अभी तो वो दूध देती है तो घर ही ले जाते हैं, वरना यहाँ तो दूध लाने ले जाने का बहुत टेंशन है। कि कुछ इसी प्रकार से होती है विलेज लाइफ। अभी सड़क के पास में उधर बकरियाँ जानवर चर रहे हैं, और इधर फसल में मस्त पानी लग रहा है अपना, और जस्ट अभी हर एक पेड़ पौधा अभी ग्रीन हुआ पड़ा है, क्योंकि बरसात से उसमें नई कोपल आई हैं। जिस टाइम पर एनवायरनमेंट होता है ना, वो तो अल्टीमेट होता है भाई साहब, उसकी तो कोई वो ही हो ही नहीं सकती वैल्यू, वो तो इनफाइट वैल्यू वाला होता है। अभी खेतों में पानी भरा पड़ा है, पानी की पूर्ति तो हो ही चुकी है, पर अच्छा खासा गजरघट।
साइकिल लेके आते तो बाजरे ले लो सड़क पो बनवो लोग लग लग भैंस देख तो इतनी खतरनाक तरीके से रही कोई जाने वाह वाह व्हाट अ टाइम कब से देख रहा हूँ वो मोर एक घंटा से वहीं बैठा है और शायद वो पानी सूखा रहा होगा जो कि बरसात में भीग गया है और खुद को पीछे से खुजला रहा है पता नहीं क्या ही बात है। कुसी कुसी की मेहंदी रच रही कुसी सुन ये पाँव में रच रही है कुसी वीडियो बना दी तेरी मैंने रच गई कि तेरे पापा बताऊं पंगराज गणेश सेठ व्हाट अ लुक डैमेज की कुसी पंगराज नहीं गई नहीं गई नहीं कुसी हट जाता हूँ मैं तो कुसी ला मत जी कहाँ पहलवान पहलवान की लाड़ जा वो ही दे फुल सेफ्टी बैक प्लान बना ले पर जल्दी अबे इतनी वीडियो आ रही है सो अभी जस्ट जिस जगह पर खड़ा हूँ ना हालात देख सकते हो दूर दूर तक पानी भर रखा है कीचड़ मच रखा है भाई साहब कहाँ बैठना चाहें जिसके लिए इधर थोड़ा सा बाउंड्री बना रहे हैं देसी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको भागर ये जस्ट यहाँ से शुरू किया है अभी ये अब इसको दूर तक ले जाना है ऐसे करते करते यह है मेन रास्ता निकलने का और इधर से भाई साहब गांव से सीधा लिंक है और गांव से कोई जानवर आता है तो सबने तार फेंसिंग या बगड़ कर रखी है गेल में तो सीधा आकर अपने घुसते हैं अंदर रात को आकर नुकसान करें इससे बेटर है कि पहले ही व्यवस्था बना दें और बरसात अभी काफ़ी हो चुकी है जबकि कीचड़ मचा है यहाँ पर तो बट सुबह आकर जानवर फैल गए थे इसीलिए अभी क्या कर सकते हैं करना पड़ेगा इमरजेंसी में बाकी जो मधुमक्खी खाई थी मैं यहाँ से पेड़ के ये नीचे के कुछ दिख रहे हैं इसके वो छांट रहा था और जस्ट लग रही है वो मुँह इस पॉइंट पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी साइज से मैं तो यहाँ खड़ा था और वो इतनी ऊपर तो उसको क्या चल मची जबकि मैंने इसमें मारा था इसमें सो कोई नहीं आँख अभी ठीक हो जाएगी कल तक तो बिल्कुल ऐसा कोई टेंशन नहीं है बट अभी इस काम को ख़त्म करते हैं कुछ घर है लोगों के जो कि गांव से आकर कुएं पर खेतों पर रहने लगे हैं बाकी आज मैं अकेला आया हूँ कि दो दिन से तो मैं और दादाजी आ रहे थे बट डेली पानी बरस रहा था तो आज मैं अकेले आ गया सीधा इस कीचड़ से निकल कर सारा करते हुए जाना है अभी ये झाड़ तो काट लिए हैं जस्ट काटेंगे तो और काटेंगे और कीचड़ इधर भी है और अपने हालात देख सकते हो जस्ट अभी कांटे देख सकते हो कितने बने इसमें अगर लगा तो हालात डाउन तो बाकी यहाँ कीचड़ होने की वजह से भाई साहब सारा कुछ ऊपर से नीचे तक खराब हो चुका है लुट चुका हूँ बाकी दोस्तों यहाँ गड्ढे करके गाड़ना पड़ता है तो गड्ढे तो कल कर दिए थे लेकिन बारिश आई तो घर भाग गए थे अभी इन गड्ढों में पिरोते हैं इसको का जो एरिया है वो हो चुका है कर दिया है कम्प्लीट तो अभी देखते हैं उधर आगे वाला कल की बरसात ने नदी में धार जो है ला दी है तो बेटर है भाई पानी तो हुआ कम से कम नदियों में पीने के लिए जानवरों को अभी इधर का करना है ये और उधर तक वहाँ तक कुछ इस तरह से उधर तो कंप्लीट कर ही दिया बस बचा इधर
इधर चल रही है मस्त नदी और आसपास लोग काम कर रहे हैं और बाकी और अपन भी करते हैं। मौसम तो क्लियर है जैसे उस पहाड़ी पर देख सकते हो। कुछ इस तरह से पहले सब्बल से खड्डे जो कर दिए जाते हैं, अभी मिट्टी गीली है तो आराम से हो जाते हैं। सो काम कंप्लीट। अभी हालात जो देख सकते हो क्या हो रहे हैं भाई साहब, पानी बरसा था फिर भी मैं बंद नहीं हुआ क्योंकि मुझे बस करना था तो करना था। आज तो कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, तो बाकी दादाजी देखकर और देख लेंगे कहां पर क्या लगाना है। और अभी थोड़ा सफाई कर लेते हैं जिसके बाद चलते हैं घर, नहाएंगे धोएंगे। इधर नदी की साइड से भी कोई जानवर नहीं जाएगा क्योंकि इधर भी मैंने लगा दिए, बट नदी चढ़ेगी तो निकल जाएंगे, लेकिन अभी तो लगा ही दिए। और इधर से अपना पानी फ्लो हो रहा है कि हालत कुछ इस तरह से है, सारा गीला हो चुका हूँ ये। सो कोई नहीं, होता रहता है ये तो। पर आज ये काम कंप्लीट पर शायद से, लेकिन मेरी तरफ से, दादाजी की तरफ से नहीं, वो तो चाहे तो बता देंगे कि और बचाए। तो देखते हैं घर जाकर क्या होता है, इस ब्लॉग को ये प्रिंट कर देंगे या तो। फर्स्ट ये इतना सा एरिया रह गया है कुछ एक से डेढ़ बैम को, उसमें गाड़ना है। बरसात की वजह से अभी पानी और भी ज़्यादा हो गया। इधर डेढ़ बजे से पाँच सवा पाँच बजने को आया भाई, भूख लगी है। अब तो रुमाल अभी कहीं पर गिर गया, उसको उठा कर लाना पड़ेगा दो बार जाकर। अब ज़्यादा दूर तो आ चुका हूँ यार मैं तो भाई साहब। अच्छा रुमाल उठाने को आ गया मैं, पैसे पड़े हैं मेरे गिरे, मोबाइल उसी जेब में रखे थे जिसमें पैसे हैं, अभी रह ही जाते हैं यहाँ। अभी रुमाल तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चलते हैं रुमाल को छोड़ कर। रुमाल तो पता नहीं कहाँ ही गिरा होगा, लेकिन जो पैसे मिले हैं थे तो अपने ही नया ले लेंगे, क्या कर सकते हैं, या फिर मिल जाएगा अगले दिन आएंगे तो। वो वारे आ गया भाई, सामने तो दुगना नुकसान झेलना पड़ जाता। जूता एक मेरा नीचे से फटा हुआ है भाई, रास्ते का तो हालात देख सकते हो अभी।